पूर्णिया में अपने 20 साल पूरे कर चुके मोरिया डायग्नोस्टिक ने डॉक्टरों के साथ एक सम्मेलन किया। इस CME में शहर के तमाम बड़े डॉक्टर शामिल हुए। इस मौके पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत चौधरी और अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डॉक्टर श्रीकांत दोदमानी मौजूद थे। मोरिया सेंट्रल डायग्नोस्टिक का 20 साल पूरा हो रहा है। 1998 में हम यहाँ पे जब दिल्ली से राम मनोहर हॉस्पिटल और UCMS से रेजिडेंसी करने के बाद आए तो अपना एक लैब स्टार्ट किए। उस समय पूर्णिया में रूटीन जांच के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था। ऐसा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17-12 को एक ये वर्डिक्ट आया कि जांच वही लैब कर सकता है जिसके पास MD और DCP की डिग्री हो और वो माइक्रोबायोलॉजी में हो, पैथोलॉजी में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, इवन MBBS भी जांच की रिपोर्ट पे दस्तखत नहीं कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे TMLT लैब खुल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि वैसे डॉक्टर जो वहाँ भेजते हैं, अगर उनका भी नाम है और जो जांच करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है।